जरूर। कोरोना, कोरोना को लेकर हर विभाग चिंतित है और मेरे साथ इस समय SSP जम्मू मौजूद हैं शेरधर पाटिल जी, और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर पुलिस विभाग के लिए इनकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 24 घंटे पुलिस विभाग ड्यूटी पर तैनात है, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, चाहे अस्पताल हों, कोई भी जगह है, लेकिन पुलिस वहाँ पर तैनात जरूर है। पुलिस के लिए क्या जो हमारे जवान ड्यूटी पर तैनात हैं, जवान ऑफिसर सभी लोग, उनके लिए ड्यूटी सबसे पहले है। ड्यूटी करते करते अपना ख्याल रखना वो भी ज़रूरी है, इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ हमारे जवान तैनात है उनके लिए सैनिटाइजर्स का बंदोबस्त करना, उनके लिए मास्क का बंदोबस्त करना, जहाँ पे वो रहते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियाँ, उनकी सैनिटेशन, उनकी सफाई, वो सारी चीज़ें हम लोग ने करना शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ कुछ अगर हमारे पुलिस के एहलकारान कभी अगर उसको कोई सिम्टम दिखे या कुछ करे, उसके लिए हमने पुलिस हॉस्पिटल को भी एक्टिवेट रखा हुआ है। अलग से हमने इंतज़ाम भी करके रखा हुआ है कि अगर किसी को क्वारंटाइन करना पड़े, क्योंकि पुलिस जो है बैरक्स में रहती है, जनरली साथ साथ रहती है, तो उसकी वजह से अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स दिखे तो उनको कंपलसरीली छुट्टी देने के आदेश हमारे सीनियर ऑफिसर्स DGP IGP DIG सभी लोगों ने दिए हुए हैं। उनको होम क्वारंटीन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। साथ ही साथ अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या हमें अपने ही जैसे पुलिस लाइन्स में या जहाँ पर भी उनको अलग से रखना पड़े तो उसके लिए क्वारंटीन का इंतज़ाम भी किया हुआ है। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ड्यूटी हमारे लिए सबसे पहले है। ड्यूटी करते हुए लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेवा करते हुए हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल भी रखना ज़रूरी है, उसके लिए पर्याप्त इंतज़ाम हम लोगों ने किए हुए हैं। सर, जिस तरह से आज जीवल चौक में दोनों तरफ से पुलिस द्वारा रास्ता रोक दिया गया था, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, धारा 144 लागू की गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, उसके लिए पुलिस को अगर पहले ही उन्हें रोक लिया जाता तो ये भीड़ एकत्रित नहीं होती, तो आगे से इसके लिए क्या कुछ किया जाए? जहाँ तक नाकों का सवाल है, वहाँ पे आप देखेंगे कई सारे नाकों पे आपको कोई 5 कहीं 10 गाड़ियाँ जमा हुई दिखेगी। ये गाड़ियाँ जमा हैं, गाड़ियाँ अपने आप में अगर गाड़ी में एक या दो लोग हैं तो जो मिनिमम जो एक 5-6 फीट या 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है वो उसमें हम उसको इंश्योर करेंगे। नाकों पर जो नफरी तैनात है उनको भी बताया गया है कि अगर गाड़ियाँ आप रोकते भी है तो उनको भी थोड़ा थोड़ा दूर रोकिए, गाड़ियों के बीच में थोड़ा फासला बना के रखिए, और 144 की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जितनी सख्ती से किया जाए उतनी सख्ती से कीजिए। देखिए, मैं आपके ज़रिए से सभी लोगों से ये आह्वान, ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि 144 जो लगाई गई है ये आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। इस कर्फ्यू को कर्फ्यू के अंदाज से नहीं, केयर फॉर यू के अंदाज से इसको देखिए। हम सभी के सामने ये चुनौती है, इस चुनौती को अगर हमें पार करना है किसी भी तरीके के नुकसान के बगैर, तो हमें सब लोगों को साथ मिलकर इसको पार करना है। इस 144 को अलग नज़रिए से देखना ज़रूरी है। आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ ज़रूरी है। हम लोगों को, जो भी पुलिस वाला आपको सड़क पे मिलता है, उनके साथ कोऑपरेट करें, सहयोग करें, ताकि हम आपकी बेहतर सेवा, बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकें। धन्यवाद।